मिलेगी वो कार्ड के। हाँ जी, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर तीन तरह के क्राइसिस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए टाइप्स ऑफ क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया। तो नंबर वन जो आपका क्राइसिस है दैट इज वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा जो आपका क्राइसिस इसके अंदर हो सकता है दैट इज ए प्लास्टिक क्राइसिस, और तीसरा जो आपका क्राइसिस इसके अंदर हो सकता है, एक सेकेंड, हाँ इसको भी मैं लिख लूं, दैट इज योर सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। चलो जी, अब आप लोग इनकी डिटेल सुन लो कि ये होते क्या है। बच्चे वेजो ऑक्लूसिव का तो नाम से पता चल रहा है कि कहीं भी आपके जो सिकल सेल्स हैं जो कि आपकी जिनमें सिकलिंग हुई हुई है, जो कि मतलब आपको पता है कि इंक्रीज एक्सपोजर पे ऑक्सीजन के हो सकता है, या फिर आप सॉरी डिक्रीज एक्सपोजर पे या फिर अल्टीट्यूड पे आपको हो सकता है, तो जो आपकी सिकलिंग होती है आरबीसीज की, उसकी वजह से आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ प्लग्स, इन द फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोसिस, इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट, ये मैं डिफरेंट लेम एंड टर्म यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, रियल लाइफ में इसके लिए ये टर्म यूज नहीं होता, बस सिर्फ आप यही कहते हैं कि आरबीसीज जो होते हैं वो प्लग्ड इन हो जाते हैं आपकी डिफरेंट कैपिलरीज में और आपकी स्मॉल वेसल्स के अंदर। तो आरबीसीज अगर आपके प्लग्ड इन हो जाएं तो वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस जब होता है तो आपको मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो सामने आती है दैट इज डक्टाइलाइटिस। व्हाट इज डक्टाइलाइटिस? देखिए डक्टिली का जो वर्ड होता है ना वो यूज होता है फिंगर्स के लिए, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो डक्टाइलाइटिस का बेसिकली मतलब ये है कि आपके फिंगर्स की इंफ्लेमेशन हो जाना या फिर आपके टोज की इंफ्लेमेशन हो जाना, तो आपको ये। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है। ए प्लास्टिक क्राइसिस बेसिकली ये है कि सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट अगर पार्वो वायरस B19 से इफेक्ट हो गया है तो उसके अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, यानी कि बोन मैरो ही पूरी की पूरी इफेक्ट हो जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर रेटिकुलोसाइटोपेनिया होगा। अब आप लोग ये देखें कि जितने भी हिमोलिसिस थे ऑलमोस्ट सबके अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस हो रहा था क्योंकि उनके अंदर बोन मैरो इफेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब आपका ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स का जो सोर्स है यानी कि बोन मैरो है वो ही डिस्ट्रॉय हो गई है तो रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन कहां से होगी? वो तो नहीं होने वाली। तो रेटिकुलोसाइटोपेनिया भी आपको अलोंग विद हिमोलिसिस मिलता है सिकल सेल एनीमिया के ए प्लास्टिक क्राइसिस में। और तीसरा जो क्राइसिस है दैट इज ऑफ दैट इज नोन एज सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। इस सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस के अंदर आपकी जो स्प्लीन होती है स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, यानी कि स्प्लीन के अंदर सारे के सारे आरबीसी सिक्वेस्टर्ड हो जाते हैं। और सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या है? एक जगह पे जमा हो जाना और मतलब एक जगह पे क्राउड लग जाना और छुप जाना, एक कॉर्नर में आ जाना, तो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और इसके अंदर आपको रेटिकुलोसाइटोपेनिया नहीं बल्कि रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा। लेकिन वेजो ऑक्लूसिव वाले में कोई रेटिकुलोसाइटोसिस और पीनिया का इतना रिलेशन नहीं होता, इन दोनों में होता है। अब ये तीन क्राइसिस तो मैंने आपको बता दिए। नाउ योर एग्जाम क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ए प्लास्टिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, या फिर मैं आपको बाकी जो इसके फीचर्स होते हैं उनका नाम एक दफा ले लेता हूं, आप लोग देखें। प्रियापिज्म, व्हाट इज प्रियापिज्म? बच्चे मेल्स के अंदर पेनफुल इरेक्शन हो जाना इस प्रियापिज्म, वो भी सिकल सेल एनीमिया में कॉमन होता है। अच्छा, दूसरी चीज है बच्चे सल्मोनेला का ऑस्टियोमेलाइटिस, बहुत कॉमन है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर। आपसे जब भी पूछा जाए कि एक बंदा है, एक बच्चा है, उसको सिकल सेल एनीमिया है, उसको ऑस्टियोमेलाइटिस हो गया, तो उसका कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? आप हमेशा कहेंगे सल्मोनेला, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसे ही पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमायलाइटिस, तो व्हाट विल यू से? स्टैफिलोकोकस ऑरियस। उसके बाद बच्चे हैं कि फेमोरल हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है जिसके जो आपका बेसिकली एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल एनीमिया की। चलो, अब सवाल ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो आपने हमेशा पॉइंट आउट करना है वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि डक्टाइलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर आपको पेशेंट में जो मिलता है दैट इज डक्टाइलाइटिस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिक्स, तो आपने हमेशा कहना है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर बेसिकली जब आपके चेस्ट की यानी कि लंग्स की वेसल्स में
प्लगिंग इन हो जाएगी, ऑक्लूजन हो जाएगी आरबीसी की सिकलिंग की वजह से, तो आपको डिस्निया हो सकता है, टकेपनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो सकती है, एंड इट कैन लीड टू योर डेथ। अल्लाह ना करे जो पेशेंट इफेक्टेड है उसकी बात कर रहा हूँ, आपको से ये मुराद नहीं है। अच्छा, अब इसकी लैब्स की फाइंडिंग पे बच्चे अगर हम आए तो सबसे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मतलब एक बेस लाइन लेवल पे जो सेकंड ईयर के बच्चे को भी पता होना चाहिए क्योंकि ये बुक्स में बायोकेम की लिखा हुआ है, क्या कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए हम ये देख सकें कि एक बंदे का हमने ब्लड एक्सट्रैक्ट लिया है, ब्लड का सैंपल लिया है, तो उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करके देख सकें कि इसकी सिकलिंग होती है या नहीं। तो आपने कहना जी हाँ बिल्कुल ऐसा टेस्ट मौजूद है। उस टेस्ट का नाम क्या है? सिकलिंग टेस्ट। और वो कौन सा एजेंट है जो कि आरबीसी को सिकल करवा सकता है, जो कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के हों? तो दैट इज नोन एज 2% मेटाबाइसल्फाइट। ये बात आपने याद रखनी है। इस एजेंट का नाम अक्सर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, तो मेटाबाइसल्फेट नहीं है, इट इज अ सल्फाइट। ये उन आरबीसी को जो कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है उनकी सिकलिंग करवा देगा, तो इट इज वन ऑफ द टेस्ट यूज। अच्छा, दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि वैसे तो डायग्नोस्टिक जो इसका टेस्ट होता है वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है, ठीक है? जितनी भी आपकी हीमोग्लोबिनोपैथीज है उनके लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा पेरिफेरल स्मेयर पे आपको बच्चे क्या मिलेगा? यही पोइकिलोसाइटोसिस, आरबीसीज की जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी, और सिकलिंग सिकल सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको टारगेट सेल्स मिलेंगे। व्हाट आर टारगेट सेल्स बच्चे? टारगेट सेल्स ये होते हैं कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक सेल है, इसके दरमियान में एक ऐसे आपको मिलता है सेंट्रलाइज सा पार्ट, तो ये ऐसे अपीयरेंस आती है जैसे टारगेट अपीयरेंस है, ठीक है? तो टारगेट सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? पोडोसाइट्स। ये वाली बात आपने याद रखनी है। मैंने आपको अभी तक काफी सारे साइट्स बता दिए, डैग्मासाइट, इकाइनोसाइट, ये सब बलाएं बता दी मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें कि आपको सेल्स के अंदर पॉलीक्रोमेटोफिलिया मिलेगा, ठीक है? पॉलीक्रोमेटोफिलिया होने की वजह क्या है बच्चे? ये तो सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है? तो अब न्यूक्लियस तो होता नहीं है तो फिर पॉलीक्रोमेटोफिलिया कहाँ से आया? पॉलीक्रोमेटोफिलिया इस वजह से आ गया कि आपके जो डिफरेंट तरह के हीमोलिसिस को कंपेंसेट करने के लिए रेटिकुलोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वजह से, और आपके जो नॉर्मल ब्लड के अंदर सेल्स पड़े हैं वो आपको एक कंट्रास्टिंग अपीयरेंस दे रहे हैं ब्लड के सेल्स की, तो आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे आरबीसीज के, और साथ ही साथ आपको हॉवेल जॉली बॉडीज मिलेंगी। ये वाली बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि अगर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को, हम लोग देते हैं एक ड्रग दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सी यूरिया, और हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है? इंक्रीज करवाती है एचबीएफ के लेवल्स, जो कि फीटल हीमोग्लोबिन है। क्यों? क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है इट ऑलवेज रिड्यूसेस सिकलिंग, चांसेस ऑफ सिकलिंग, या सिकलिंग को कम करता है। अच्छा, एक और बात बच्चे यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करते चलें, ठीक है? बस इसके अंदर यही वाली बात थी। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग आ जाए तो आपकी बुक में मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कि वार्म और कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड एनीमियाज कौन से होते हैं, जो इसको हम बेसिकली कहते हैं इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज। ये हमारे कॉलेज के अंदर हमें सेंडअप के अंदर क्वेश्चन भी आया था और बच्चे बिल्कुल भी ये टॉपिक तो बहुत ही छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लें। एक होता है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया से मुराद ये जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम डिफ्यूजली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? यानी कि बेसिक कॉज जो है वो आरबीसी के अंदर की कोई पैथोलॉजी नहीं है, किसी और सिस्टम की। हेलो, सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्शन दोबारा क्रैश हो गया, और बस हमारा थोड़ा सा ये काम रहता है, फिर हमारा आरबीसी का चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करने वाला हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था हीमोलिटिक एनीमिया जो इम्यून है, तो एक है आपका वार्म टाइप, एक है आपका कोल्ड टाइप। अब आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये नोट करें कि जो आपके वार्म इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं ये टोटल 70% है, ये 30% है, यानी कि ज्यादा कॉमन आपको जब भी एमसीक्यू आएगा पहले आपने वार्म का सोचना है फिर कोल्ड का सोचना है। दूसरी बात यह है कि वार्म इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में मोस्टली आपकी जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज आईजीजी और समटाइम्स इट कैन बी आईजीए, लेकिन कोल्ड इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में मोस्टली आपकी जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज आईजीएम और रेयरली आपकी आईजीजी इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं। तो जो प्राइमरी कॉज है ना कि मतलब ये होते क्यों है, तो प्राइमरी कॉज दोनों की बच्चे याद रखिएगा इडियोपैथिक,
पैथिक है, ठीक है। यानी कि अगर ये खुद ब खुद हो जाएं और आप पूरे के पूरा सिस्टम्स का, इंसान के डिफरेंट सिस्टम्स का एनालिसिस करें, एग्जामिनेशन करें और वो आपको ठीक मिले, तो इसका मतलब है वो इडियोपैथिक या प्राइमरी इम्यून इम्यूनोलिटिक एनीमिया है। लेकिन अगर किसी बंदे को ये वाली कंडीशंस एसोसिएटेड हैं जो यहाँ पे मैं सेकेंडरी लिखने वाला हूँ, फिर हम इनको सेकेंडरी कहेंगे। वॉर्म इम्यून इम्यूनोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड है विद SLE, विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विद बी सेल के न्यूप्लाज्म जो बी सेल के कैंसर होते हैं उनके साथ, ये भी आप WBC में पढ़ेंगे, और दो नोटोरियस ड्रग्स के साथ। उन ड्रग्स का नाम क्या है बच्चे? एल मिथाइल डोपा, ये वाली बात आपने याद रखनी है। एल मिथाइल डोपा इज वेरी नोटोरियस, दैट इज अ पार्किंसन बेस्ड ड्रग और एंटी पार्किंसनिज्म के लिए, और पेनिसिलिन, ये दो ड्रग्स हैं जो कि वॉर्म इम्यून इम्यूनिटिक एनीमिया करवा सकती हैं। अब कोल्ड के ऊपर अगर आप आ जाएं तो कोल्ड वाला एसोसिएटेड है माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के साथ, और बच्चे ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर आपकी ही कोल्ड एग्लूटिनेशन होती है, आप लोग माइक्रो के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि आपका स्किन बार वायरस करवाता है, और आपके जो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म होते हैं, ठीक है, यानी कि बी सेल न्यूप्लाज्म तो स्पेसिफिक थे वॉर्म के लिए, लेकिन लिम्फोइड में फिर टी सेल भी आ जाते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि आपका जो वॉर्म एंटीबॉडी का एनीमिया होता है वो यूजुअली एक्स्ट्रावास्कुलर होता है, और जो कोल्ड एंटीबॉडी का होता है वो यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग के ऑलवेज, मैं कह रहा हूँ यूजुअली, ठीक है। दूसरी बात बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी जो होती है इसकी वॉर्म एंटीबॉडी वॉर्म वाले की, वॉर्म इम्यूनोहीमोलिटिक एनीमिया की, वो 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एक्टिव होती है और कोल्ड वाली 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इनका डायग्नोसिस कैसे बनता है बच्चे? तो दोनों एनीमिया के लिए हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं वो दोनों, मैं आपको दो टेस्ट के नाम लूंगा और दोनों के दोनों हम इसके लिए परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट एंड इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, दोनों हम परफॉर्म करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये आपने नोट करना है कि जो कूम्स टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के लिए। बस बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक था तो वो यही था, और इंशाल्लाह ताला कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स या WBCs, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।